हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 5:38। वाह, मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी उठ गई, नहीं तो मेरा फिक्स टाइम है 6:30 के बाद कभी भी। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह फ्रेश एयर, बिल्कुल शांति और चिड़िया की आवाज़, मज़ा आ गया। 2,000 years later. तो मैं आज फिर से एक न्यू रेसिपी ले गई हूँ आपके साथ। मैं आज बनाने वाली हूँ रसमलाई। तो मैंने यहाँ पे लिया है अमूल ताज़ा। तो इन दोनों में से मैं सिर्फ एक ही पैकेट डालूंगी दूध का, और साथ में डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। अब करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है, तो मेरे पास पिस्ता नहीं है, तो मैं फिर काजू और बादाम से ही अपना काम चलाऊँगी। मैं इन्हें बारीक बारीक काट देती हूँ, तब तक जितने तक दूध बॉयल होता है। और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर ही डालना पड़ रहा है, क्योंकि जिस टाइम मैं बना रही थी तो पापा ने अपने फ़ोन में पहाड़ी गाने लगाए हुए थे, तो मैं उस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी बोल नहीं पाई। और यहाँ पे जो मैंने दूध बॉयल करने के लिए लगा लिया है, तो यहाँ पे जैसे ही दूध उबल गया, तो मैंने इसकी जो आँच है गैस की, मैंने कम कर दी थी। और इसे मैंने ऐसे ही बॉयल करते रहना है जब तक ये दूध आधा नहीं हो जाता। और यहाँ पे जो भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैंने सारे ले लिए हैं। जैसे यहाँ मैंने काजू काट दिया है, बादाम काट दिया, और केसर भी है, और साथ में जो ब्रेड के 5 से 6 पीस भी है। तो यहाँ पे मैं दूध में फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची। तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची यूज़ की है। तो इसके बाद जो है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और यहाँ पे जो मैंने कटे हुए बादाम और काजू रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ में ही मैंने यहाँ पे केसर भी ऐड किया, क्योंकि केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत प्यारा कलर आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दूध की जो क्वांटिटी है वो पहले से हाफ हो चुकी है, और जो केसर का जो रंग है वो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बाकी मैं इसे थोड़ा बहुत मिक्स कर लेती हूँ, और इसके बाद बारी आती है ब्रेड को कट करने की। तो यहाँ पे जो मैंने 5 से 6 जो पीस है वो मैंने ब्रेड के लिए थे, तो मैं इसे यहाँ पे ग्लास की हेल्प से मैं राउंड शेप में कट करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई जो शेप्स होती है वैसा कुछ कट करने के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पे ग्लास की हेल्प से इसे कट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 पीस काट दिए हैं। और इसके बाद जो सारा दूध था, तो मैं वो सारा इसमें डाल दूँगी ऊपर से। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो मेरा रसमलाई है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सजाने के लिए मैं बादाम के जो छोटे छोटे से पीस थे उन्हें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी टेस्टी टेस्टी सी रसमलाई बिल्कुल तैयार है, और मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है खाने के लिए। A few moments later. बचे हुए ब्रेड का सोचा कि वो ना मैं गुलाब जामुन बनाऊँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ब्रेड ले लिया है, और जो इनकी चारों कॉर्नर है इनको मैं अच्छी तरह से काट दूंगी चारों तरफ से, और हमें इसे फेंक देना है क्योंकि कहीं भी हमें यूज़ नहीं होने वाला है। और जो इसके बीच वाला पार्ट है हमें इसे ग्राइंड करना है। बाकी जो बीच वाला पार्ट रह गया था इनके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे डाल दूंगी जार में, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो हमें इस तरह से ब्रेड को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीसना है मशीन में, और उसके बाद जो है हमें इस पाउडर को दूध की हेल्प से बिल्कुल वैसे गूंदना है जैसे आटा गूंदते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। पर मुझे भी आइडिया नहीं था जैसे किस तरह का गूंदना है, बस मुझसे इतना हो पाया। और इतना हो जाने के बाद फिर मैंने अपने जो गुलाब जामुन है उन्हें राउंड शेप देना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से पीस बना रही हूँ, छोटे छोटे से गुलाब जामुन बना रही हूँ मैं, क्योंकि बड़े बड़े बनाती तो बस 3-4 बनते, छोटे छोटे फिर भी थोड़े बन गए थे, 6-7 क्वांटिटी बन गई थी इनकी। तो उसके बाद जो है मैं चाशनी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन में पहले शुगर ले लिया है, फिर इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, फिर इसे मैं तब तक बॉयल होने दूंगी जब तक ये थोड़ा थिक सा नहीं हो जाता। और यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची ऐड कर दिया, और थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो है अपना पानी बॉयल होने लग गया है। इसके बाद जो है अपना तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था, तो जो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे वो मैं तेल में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है गुलाब जामुन हल्के ब्राउन से होने लग गया, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये रेडी है। तो उसके बाद मैंने जो चाशनी है वो मैंने अलग बर्तन में डाल दी थी, और इसमें ही मैं अब जो गुलाब जामुन है वो डाल दूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने गुलाब जामुन है वो इसमें डालना शुरू कर दिए हैं, और जो मेरी गुलाब जामुन है वो बिल्कुल तैयार है। सो गाइज, आपने देखा हो कि आज मैंने ब्रेड से दो दो चीज़ें बनाई हैं, रसमलाई और गुलाब जामुन। बोर हो रही थी, करूँ तो करूँ क्या, फेसबुक पे ऐसे ही स्क्रॉल करते जा रही थी, और फिर नीचे मुझे गुलाब जामुन की एक वीडियो दिख गई।
मैं कहा ठीक है, ब्रेड भी पड़े हुए, मैं कहा बना लेती हूँ, फिर मैंने बना दो, पता नहीं कैसे बने होंगे। अरे सब कुछ बाद में ही टेस्ट होना है जब मम्मा पहुँचेंगे, मम्मा अभी तक नहीं पहुँचे। और यहाँ पर एक आकाश को शरारे से सोच रही है। अरे आकाश कहाँ जाना है, पापा के पास जाना है। और यहाँ पर अभी मुझे एक कूरियर रिसीव हुआ है नायका से, क्योंकि मैंने मेकअप से रिलेटेड कुछ मंगवाया हुआ है, क्योंकि अभी बुकिंग है तो कुछ सामान है जो मेरे पास ख़त्म हो गया। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए, पर ये मैंने यहीं से स्टार्ट किया। मम्मा चलो टेस्ट करो और बताओ मेरे को कैसा बना हुआ है। थोड़ा सा ना दूध कम हो गया था तो मेरे को आइडिया ही नहीं लगा क्या बनाए, हाई कैसे बनाए। टेस्ट करो। वाह अब आपकी बारी, टेस्ट करो करो, हंस के करो टेस्ट। क्या क्या है? रसमलाई, दूध थोड़ा कम हो गया। धक 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 धक, ये क्या हो रहा है, क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। हाँ जी, तो फिर रिव्यू बताना। रसमलाई खाओ। देख मोटी रसमलाई तूने मिस कर दी। कैसी बनी है? बढ़िया है, मतलब क्लोज टू 7 out of 10। वाओ अपन खुश हुआ। तूने मिस कर दिया मोटू, क्यों छुपा रही अब? बाकी अगर आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।